दोस्तों इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं अडानी पावर के बारे में, साथ ही साथ अडानी वेलमार के बारे में, और इसी के साथ में अडानी ग्रुप को लेकर आज के दिन जो बड़ी अपडेट निकल कर आई है उसके बारे में। आज के दिन अडानी ग्रुप के साथ में LIC की मीटिंग थी, जिसके आउटकम्स यहां पर निकल कर आ चुके हैं। काफी पॉजिटिव आउटकम्स देखने को मिल रहे हैं और अडानी ग्रुप के फेवर में आते हुए देखने को मिल रहे हैं। सबसे पहले अगर हम अडानी पावर की बात करें तो लास्ट ट्रेडिंग सेशन में हमें 5% की शानदार तेजी देखने को मिली थी। वहीं अगर अडानी वेलमार की बात करें तो यहां पर भी 5% की शानदार तेजी हमें देखने को मिल चुकी है। अडानी पावर की बात करें तो अडानी पावर के अंदर 4 बड़ी अपडेट हमें देखने को मिल रही है, जहां पर अडानी पावर ने 8,500 करोड़ रुपए का जो केस था वो जीत लिया है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अडानी ग्रुप के फेवर में डिसीजन सुनाया गया है। साथ ही साथ बांग्लादेश ने क्लियर कर दिया है कि वो अभी भी अडानी ग्रुप के साथ जो पावर परचेस एग्रीमेंट है वो कंटिन्यू रखेगा, तो इससे भी अडानी ग्रुप को काफी ज्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। लगभग $3.4 बिलियन का इन्वेस्टमेंट अडानी ग्रुप की कंपनी अडानी पावर के अंदर हमें आते हुए देखने को मिलेगा। सबसे पहले हम आज के दिन की जो सबसे बड़ी अपडेट है उसके बारे में बात कर लेते हैं। LIC मोर कॉन्फिडेंट ऑफ अडानी ग्रुप बिजनेस आफ्टर मीटिंग टॉप मैनेजमेंट। तो यहां पर LIC के टॉप मैनेजमेंट और अडानी ग्रुप के टॉप मैनेजमेंट के बीच में आज के दिन मीटिंग थी, और इस मीटिंग्स का आउटकम इतना पॉजिटिव रहा है कि LIC अब और ज्यादा कॉन्फिडेंट हमें देखने को मिल रहा है। तो यहां पर इन्वेस्टर्स के मन में एक बहुत ही बड़ा रिलीफ यहां पर देखने को मिलेगा, और कल के दिन अगेन हमें अडानी ग्रुप के अंदर काफी अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। LIC का टोटल इन्वेस्टमेंट अडानी ग्रुप के अंदर 30,127 करोड़ रुपए का है, जो कि लेस देन 1% है ऑफ इट्स टोटल बुक वैल्यू। यानी कि आप LIC का ओवरऑल इन्वेस्टमेंट देखेंगे तो उसमें से 1% से भी कम का इन्वेस्टमेंट LIC ने अडानी ग्रुप के अंदर कर रखा है, तो आप उसको वैल्यू के अकॉर्डिंग मत देखिए। बात करें LIC के ऊपर जितने भी एलिगेशंस लगाए जा रहे थे कि LIC ने जो 30,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है वो डाउन है, यानी कि जो उसकी कैपिटल थी वो भी अब खत्म हो चुकी है। लेकिन LIC ने ये भी क्लियर कहा है कि लास्ट वीक में जो तेजी आई है जिसके चलते LIC की जो वैल्यू है अडानी ग्रुप के इन्वेस्टमेंट की वो बढ़कर 39,000 करोड़ रुपए पर पहुंच चुकी है। और LIC ने मेनली 7 कंपनियों के अंदर इन्वेस्टमेंट किया है अडानी ग्रुप की, जिसमें अडानी इंटरप्राइजेस, अडानी पोर्ट्स, अडानी टोटल गैस, अडानी ट्रांसमिशन, अडानी ग्रीन एनर्जी, ACC और अंबुजा सीमेंट का नाम देखने को मिल रहा है। तो काफी अच्छी तेजी हमें यहां पर देखने को मिल चुकी है। लेकिन विपक्ष यानी कि अपोजिट पार्टी कंटिन्यूसली अडानी ग्रुप के ऊपर एलिगेशंस लगा रहे हैं। आज के दिन भी एक और रिपोर्ट निकल कर आई है, जिसमें गुजरात ने पिछले साल अडानी से जो पावर परचेस करी थी 8,160 करोड़ रुपए की, उसमें यहां पर एलिगेशन से कि यहां पर जो रेट थे, पावर परचेस के रेट थे, वो ज्यादा चार्ज करे गए थे। तो उसको लेकर यहां पर विपक्ष कंटिन्यूसली अडानी ग्रुप के ऊपर एलिगेशन लगा रहा है, लेकिन अभी तक इसको लेकर कोई बड़ी अपडेट देखने को नहीं मिल रही है। तो यहां पर ये भी एक अनदर न्यूज आज के दिन निकल कर आई है। साथ ही साथ ऊर्जा मंत्री ने राज्य सरकार से 2007 में अडानी पावर लिमिटेड से 25 साल के लिए जो 2.90 रुपए की जो बिजली खरीदने की बात हुई थी उसको लेकर यहां पर एलिगेशंस लगाए गए हैं, और उसकी जांच की मांग यहां पर विपक्ष कर रहा है। साथ ही साथ यहां पर जो RBI के एक्स गवर्नर है रघुराम राजन, उनकी तरफ से एक बड़ी अपडेट हमें देखने को मिल रही है, जिसमें उन्होंने क्लियर कहा है डज सेबी नीड हेल्प फॉर इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज। तो यहां पर काफी बड़ी अपडेट हमें आते हुए देखने को मिल रही है, जिसमें एड्रेसिंग द कंसर्न अराउंड इन्वेस्टिगेशन इन द अडानी हिंडनबर्ग रो, फॉर्मर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गवर्नर रघुराम राजन ऑन संडे क्वेश्चन व्हाई मार्केट रेगुलेटर सेबी डिड नॉट गेट टू द बॉटम ऑफ द इशू रेज बाय द US बेस्ड शॉर्ट सेलर एंड सोट टू नो इफ इट नीडेड हेल्प फॉर इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज। तो यहां पर क्लियरली अब हमें जो हिंडनबर्ग है उस पर भी क्वेश्चन रेज होते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो यहां पर काफी बड़ी अपडेट हमें आते हुए देखने को मिल रही है। हालांकि अडानी ग्रुप के ओवरऑल अगर मार्केट वैल्यू की बात करें तो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद में अभी भी अडानी ग्रुप की जो मार्केट वैल्यू है वो लगभग 55% डाउन देखने को मिल रही है, अगर हम उसे जनवरी मंथ से कंपेयर करें तो अभी भी यहां पर अडानी ग्रुप के शेयरों को रिकवरी करना बाकी है। यहां पर और अच्छी तेजी हमें आने वाले 1 से 2 ट्रेडिंग सेशंस में देखने को मिल सकती है, और साथ ही साथ सेबी की तरफ से अगर कोई बड़ा आउटकम्स निकल कर आ जाता है तो वो भी एक पॉजिटिव साइन बना सकता है। साथ ही साथ अडानी के शेयरों में आई इस तेजी के पीछे अगर जो मेन रीजन की बात करें तो अडानी का रोड शो है। अडानी ने लास्ट वीक में सिंगापुर और हांगकॉन्ग में रोड शो किया था,
इन्वेस्टर के कॉन्फिडेंस को बिल्ड करने के लिए जो कि अडानी ग्रुप के लिए बहुत ही सक्सेसफुल रहा और ग्रुप ने निवेशकों को बताया कि उसके पास कर चुकाने की कैपेबिलिटी है और केस जनरेट वो कर सकता है। गौतम अडानी अब आने वाले हफ्ते में यानी कि नेक्स्ट वीक में लंदन, दुबई और यूएस में फिक्स्ड इनकम इन्वेस्टर मीटिंग्स के दूसरे राउंड की प्लानिंग कर रहे हैं, यानी कि अगेन वहां पर रोड शो की प्लानिंग कर रहे हैं और इनके जो फिक्स्ड इनकम इन्वेस्टर्स हैं यानी कि जो इनके लार्ज इन्वेस्टर्स हैं उनके थ्रू यहां पर रोड शो करेंगे और यहां पर जो उनका कॉन्फिडेंस है वो यहां पर बिल्ड करेंगे। तो ये भी एक पॉजिटिव न्यूज हमें अडानी ग्रुप के लिए आते हुए देखने को मिल रही है। साथ ही साथ जीक्यूजी पार्टनर्स फर्म ने जो अडानी ग्रुप के अंदर लास्ट वीक में 15,000 करोड़ रुपए का निवेश किया है अडानी ग्रुप की 4 कंपनियों के अंदर, जिसके चलते जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं उनका कॉन्फिडेंस काफी ज्यादा बिल्ड हुआ है और यहां पर जीक्यूजी पार्टनर्स को पिछले 2 दिनों के अंदर ही लगभग 3100 करोड़ रुपए का मुनाफा यहां पर हुआ है। तो काफी बड़ी अपडेट हमें ये भी आते हुए देखने को मिली थी लास्ट वीक में, जिसके चलते अडानी ग्रुप के शेयर में हमें अगेन काफी अच्छी देखने को मिल सकती है तेजी। अब अगर हम FII की बात करें तो FII ने अडानी ग्रुप के अंदर काफ़ी अच्छा स्टेक यहां पर एक्वायर कर रखा है, जिसमें अगर आप मेनली देखेंगे तो अडानी इंटरप्राइजेस के अंदर FII का स्टेक 3.4% का है, अडानी पोर्ट्स के अंदर 4.1% का है, अडानी ट्रांसमिशन के अंदर 2.5% का है और वहीं अडानी ग्रीन एनर्जी की बात करें तो 3.5% का है, यानी कि काफ़ी बड़ा स्टेक अभी भी हमें FII का अडानी ग्रुप के अंदर देखने को मिल रहा है। अडानी के शेयरों में इस उछाल का असर सरकारी बैंकों और LIC के शेयर पर भी पड़ा है और होने को मिल रही है। वहीं अगर हम अडानी ग्रुप की लास्ट वीक की परफॉर्मेंस की बात करें तो वो भी आप देख सकते हैं, अडानी ट्रांसमिशन के अंदर 16% की तेजी, अडानी एंटरप्राइजेस के अंदर 16% की तेजी, ट्रांसमिशन के अंदर 5% की तेजी, अडानी पोर्ट्स के अंदर 10% की तेजी, अडानी विलमार के अंदर भी 5% की तेजी, अडानी पावर, अडानी टोटल गैस, अडानी ग्रीन एनर्जी, अंबुजा सीमेंट, ACC, NDTV सभी के अंदर हमें काफ़ी अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। साथ ही साथ एक्सपर्ट्स का मानना है कि अडानी इंटरप्राइजेस के शेयर का टारगेट 2,000 रुपये है, यानी कि शेयर शॉर्ट टर्म में 2,000 रुपये तक जा सकता है और इसी तरह अडानी पोर्ट्स में भी काफ़ी संभावनाएं हैं, यानी कि अभी भी एक्सपर्ट्स इन शेयर्स को लेकर काफ़ी ज़्यादा बुलिश देखने को मिल रहे हैं। अडानी ग्रुप इस पर $75 अरब का निवेश करने जा रहा है। अडानी ट्रांसमिशन का शेयर भी बेहतर वैल्यूएशन पर उपलब्ध है, यानी कि अगर आप फ्रेश पोजीशंस बनाना चाहते हो और अगर आपको अडानी ग्रुप के ऊपर कॉन्फिडेंस है तो आप यहां पर खरीदारी करने का मन बना सकते हैं, लेकिन वो भी एक मिनिमम क्वांटिटी में। तो उम्मीद है आपको वीडियो और अपडेट पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो और अपडेट पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अनदर किसी इंपॉर्टेंट अपडेट के साथ में। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, स्टे अपडेटेड और साथ ही साथ अगर आपने अभी तक हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल बाजार की खबर को ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इसी के साथ में अगर आपने अभी तक इंडिया के लार्जेस्ट प्लेटफॉर्म अप स्टॉक्स के ऊपर अपना फ्री डीमेट अकाउंट ओपन नहीं करा रखा है तो उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, जहां से आप अपना डीमेट अकाउंट बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ओपन करा सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।